विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावता ने कहा कि प्रदेश के अशोक गहलोत सरकार के किए जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर हम इस विधानसभा चुनाव में आम जनता में जाएंगे और प्रदेश में एक बार फिर कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह जड़ावता ने एक पत्रकार वार्ता में कहा कि यह उनके राजनीतिक करियर का अंतिम चुनाव है, इसके बाद वह कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वह युवाओं को आगे लाकर उनकी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि चित्तौड़गढ़ जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जीत हासिल करेगी और प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि उनका सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी से है। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव हारने के बाद भी चित्तौड़वासियों के लिए हर महत्वपूर्ण सौगात दी है। उन्होंने कहा चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व का और मुख्यमंत्री महोदय अशोक गहलोत साहब का, गोविंद सिंह जी डोटासरा साहब का, रंधावा साहब का बहुत बहुत आभार, सोनिया जी का बहुत आभार, खड़गे साहब का आभार। राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। चित्तौड़ से हम पांचों सीटें जीतेंगे और चित्तौड़ विधानसभा से निश्चित रूप से हम बड़े मार्जिन के साथ चुनाव जीत करके आएंगे। जनता का जो प्रेम 5 साल के अंदर हम लोगों ने पाया है और विकास, मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि तुम मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा, उससे ज़्यादा उन्होंने दे दिया, मेरे मांगने से भी ज़्यादा उन्होंने दे दिया। आज गाड़ी समाज का देखिए, कई जगह राजस्थान के अंदर है और राजस्थान के अंदर त्रिकोणीय संघर्ष कई जगह, लेकिन चित्तौड़ विधानसभा इस बार जनता के आशीर्वाद से, तो जनता लोकतंत्र में माई बाप जनता है, उसके आशीर्वाद से हम लोग चित्तौड़ विधानसभा अवश्य जीतेंगे, क्योंकि जो वर्तमान विधायक जिनका टिकट कटा है उन्होंने चित्तौड़ विधानसभा के लिए कुछ भी नहीं कहा। पांचवी स्कूल नहीं खुला सके, एक उप स्वास्थ्य केंद्र भी वो स्वीकृत नहीं करा सके, इससे बड़ी विडंबना हो क्या गया, तो मेडिकल कॉलेज से लेके चिकित्सा, उप जिला चिकित्सालय, सेटेलाइट हॉस्पिटल, CSC, PSC सभी मंजूर करा दिए, मैंने 10 उप स्वास्थ्य केंद्र मंजूर करा दिए, 8 कॉलेज दे दिए मुख्यमंत्री जी ने, खूब स्कूलें दे दी, 5वीं से लेकर 12वीं तक की दे दी। विश्वास है बिल्कुल अंतिम चुनाव है, युवाओं को मौका देंगे, पूरी तरह से युवा पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, युवा पीढ़ी आएगी, युवा नेतृत्व आएगा और फिर वो कांग्रेस पार्टी को मजबूती देगा।